दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पुनर्अनुमान जारी किया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश हो सकती है। बारिश के साथ हवाएं चलने के आसार है, यानी कि सर्दी और अपना सितम ढाने वाली है। बारिश होने से फिर से ठंड लौट सकती है। दो दिन से धूप खिली हुई है, थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश हो सकती है। आज सुबह सुबह घना कोहरा था, विजिबिलिटी बेहद कम थी, गाड़ियां चलाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शीतलहर चल रही है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन दिन में सूरज खिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सर्दी से राहत मिल रही थी, ठंड से राहत मिल रही थी। लेकिन अब लगता है कि राहत लोगों से जल्द छिनने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 31 जनवरी यानी कि कल और परसों 1 फरवरी को बारिश हो सकती है। और अगर बारिश होती है तो फिर एक बार फिर से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को भारी परेशानी होगी। लोग अभी भी अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से, शीतलहर की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब ठंड और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। सुबह शाम में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दिन में धूप खिलने से ठंड कम हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। और वो असर ये कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आप धूप देखकर ये सोच रहे थे कि भाई अब तो सर्दी गई, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। 31 जनवरी 1 फरवरी को बारिश होने की संभावना जताई गई है, यानी कि आपको ठंड से अभी राहत तो मिलेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जब विजिबिलिटी बेहद कम थी, घना कोहरा था, लोगों को भारी दिक्कतें वाहन चलाने में हो रही थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। कई फ्लाइट्स तो डिले हैं, कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको रद्द करना पड़ा है। रेलवे पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। लोगों को दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो ऑलरेडी डिले चल रही हैं, बहुत घंटे डिले हैं। लोग इस वक्त परेशान हो चुके हैं सर्दी के सितम की वजह से, और जनवरी खत्म होने के कगार पर फरवरी शुरू होने वाली है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी इस बार अपना कहर लोगों पर बरपा कर रहेगी। ये तस्वीरें आप देखें, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कड़ाके की सर्दी, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। पहाड़ी इलाकों में देरी के साथ क्योंकि इस बार बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, और अब सीधा असर मैदानी इलाकों में। ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है, लोग खुद को पूरी तरीके से ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं, लेकिन अभिभावक पेरेंट्स उनके परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि सर्दी की वजह से बच्चे परेशान हो जाएं। जो लोग बाहर काम से निकल रहे हैं वो भी परेशान हैं। गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है, धीमे धीमे से, ताकि कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। लोग बहुत सावधानी के साथ वाहनों को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, कोई और रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और अगर बारिश हो जाती है तो ये सितम सर्दी का और ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर तो गिर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम शिमला मनाली में हो, ऐसा लोगों का कहना है। इतनी ज्यादा सर्दी इससे पहले नहीं पड़ी है और अब लोग अलग अलग प्रबंध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कहीं जाना है तो फिर लोग तमाम व्यवस्था कर रहे हैं।